Assalamu alaikum students, I am here Zainab Imran, your biology teacher. Okay students, we have studied our chapter number 3 and I hope you have learned the previous topics as I have completed my videos on those topics. Students, अच्छा अब हम लोग start कर रहे हैं 3.6.2 that is deforestation and overhunting. What is deforestation? The cutting down of trees is known as deforestation and the planting of trees is known as forestation. What is the difference between forestation and deforestation is between the cutting of trees. अगर हम deforestation की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे जंगलात जो हैं अगर हम रोज़ एक पौधा उगाएंगे तो वो implanting of trees हम forestation कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक रोज़ पौधा उखाड़ेंगे तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं स्पीशीज़ पे भी और इन्वायरमेंट पे भी. अब ये किसी तरह से भी डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है. डिफॉरेस्टेशन हम ये कहते जा रहे हैं क्योंकि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करी है तो लोग क्या कर रहे हैं, पौधों को उखाड़ना शुरू कर दिया. पौधों को उखाड़ेंगे जगह भी उनको मिल जाएगी, लेकिन जगह तो मिल जाएगी लेकिन उसके बाद जो इफ़ेक्ट होगा वो उनको नहीं पता होता. तो वो सिर्फ उस टाइम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास कमिंग रिजल्ट होते हैं इन फ्यूचर वो उस पर फोकस नहीं कर रहे होते. अब क्या होता है कि हमारे पास कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आते हैं. डिफॉरेस्टेशन के अंदर जो कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होता है कि जब हमारे पास डिफॉरेस्टेशन होती है तो हमारे पास जो सॉइल्स होती हैं उनकी टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं. जब उनकी टेम्परेचर्स हाई करते हैं वो सॉइल एरोजन की उसमें जैसे लावा फॉर्मिंग होती है उस तरह से फॉर्म करते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह. उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि जब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर रेनफॉल्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि जितना हमारे पास जो जाइलम और फ्लोएम है वो हमारे इसके साथ इंटैक्ट रहेंगे तो वो उतना जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो हाई करेंगे. लेकिन जब वो नहीं होंगे तो हमारे पास जो वाटर रेनफॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं. लेकिन जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास फॉरेस्टेशन की, जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. डिफॉरेस्टेशन हमें हर तरह से नुकसानदेह हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि फॉरेस्टेशन की, तो फॉरेस्टेशन क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हमें खाना प्रोवाइड करते हैं. हमारे जितने भी लोग हैं उनमें से हाफ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका रोज़ का चूल्हा सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों की वजह से चलता है, तो वो लकड़ियाँ चलाएँगे तो वो खाना पकाएंगे. तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है उनके जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं वो हमें डिफॉरेस्टेशन है. अगर डिफॉरेस्टेशन जितनी ज़्यादा करेंगे वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा नुकसानदेह होगी. जैसे बायोडाइवर्सिटी है वो जैसे इंक्रीज़ करेगी तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन वो नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है. उसके बाद ओवर हंटिंग ये है कि ओवर हंटिंग हम ये करते हैं कि हम किसी भी एक किस्म की स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा ओवर हंट करते हैं, उसका इतना शिकार करते हैं कि अनटिल अनलेस वो एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड हो जाती है. तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान दिया कि एक ही स्पीशी को हम ओवर हंट करी जाएँ. जितना ओवर हंट करेंगे तो वो पहले इंडेंजर्ड होगी और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी और फिर वो स्पीशीज़ हमें ना कभी देखने को मिल सकती है और ना वो हम कभी देख सकेंगे. ठीक है, तो ये ओवर हंटिंग है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो हमें हमारे बॉडी है या जो भी है उस पर कितने ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं. जितने डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं वो उस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं. ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा 3.6.3, ये बेसिकली कंजर्वेशन के कुछ स्टेप्स हैं. कंजर्वेशन के स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि वो क्या है. वो है स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. वो स्टेप्स बेसिकली क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं कि जिस तरह की जो भी स्पीशीज़ जिस इलाके में जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड हो रही है, उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कुछ जो मतलब आप कह सकते हो कि कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई थी. वो क्या थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब उसके बाद हम सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल कंजर्वेशन नेशनल कंजर्वेशन
स्ट्रेटजी, इसके अंदर क्या किया गया था कि स्ट्रेटजी बनाई गई थी जिसके अंदर 1980s में IUCN ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मुलेट किया था कि जो नेशनल कंजर्वेशन हैं, जो नेशनल कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेटजी है, उस पर अमल दरामद किया जाएगा और जो स्टिंग स्पीशीज़ हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा. उसके बाद है CCD. अब ये CCD क्या है? कम्बेटिंग डिसर्टिफिकेशन. डिसर्टिफिकेशन के एक इंटरनेशनल ने बनाई गई थी जो पॉवर्टी और ड्राई लैंड्स के लिए बनाई गई थी, जिसको ये कहा गया था कि जो गुरबत है और जो ड्राई लैंड्स हैं उनको पाकिस्तान ने इस पर साइन किया था कि पाकिस्तान में हेल्प करेगा. 1997 में पाकिस्तान ने इस पर साइन किया था. उसके बाद है हमारे पास हिमालयन जंगल. हिमालयन जंगल के अंदर HJP, दैट इज़ हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, जो 1991 में स्टार्ट हुआ था पलास वैली में, और इसके अंदर ये कहा गया था कि जो हैबर पख्तून है उसने ये किया था कि प्रोटेक्ट करेगा रिचेस्ट एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान जो कि हिमालय है. उसके बाद फोर वाला है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सुलेमान रेंज. सुलेमान रेंज की ये बात की गई थी कि सुलेमान रेंज के अंदर जितने भी चलगोजा फॉरेस्ट था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको 1992 में ये किया गया था कि उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे पास फाइव वाला आता है नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनके अंदर जितने भी ट्रीज़ हैं और जितनी भी स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ हैं उनको हम लोग जो है ना बचाएंगे कि वो एक्सटिंक्ट हो सकें या वो डिफरेंट तरह से काम ना कर सकें और उसको हम लोग सेव कर सकें. उसके बाद हमारे पास सिक्स वाला, जिसे हम ये कहते हैं कि वो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल. चित्राल के अंदर वो फॉर्म किया गया था और उसमें ये साइन किया गया था कि जो चित्राल है उनके जितने भी बर्ड्स हैं उनको सेव किया जा सकेगा और उनकी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करेगी. उसके बाद जो चिल्तन सेवन वाला था, चिल्तन मारखोर, और उसके अंदर ये किया गया था कि जो मारखोर है उसकी कंजर्वेशन के लिए, सेफ्टी के लिए काम किया जाएगा. उसके बाद बैन ऑन गेम्स किया गया था कि जो एट वाला था, फॉरनर्स को बैन ऑन गेम्स किया गया था कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन पर जो गेम्स की जाती हैं उनको रोका जाए और उनकी जो उनको जो मारते हैं, तीर मारते हैं, गन्स मारते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रोका जाए, उनको ख़त्म किया जाए. उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स 3.6.4. हमारा 3.6.4 दैट इज़ हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान. अब हमारे पास इंडेजेंट स्पीशीज़ इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स हमारे पास 3-4 हैं जो कि इंडेजेंट हो रही हैं और उनको हमें सेव करना चाहिए. उनमें सबसे पहले है इंडस डॉल्फिन, जिसकी पहले बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ अवेलेबल थी, लेकिन अब वो मतलब वो इंडेजेंट हो रही है. उसकी बहुत ज़्यादा 2-3 स्पीशीज़ रह गई हैं, उसके अलावा वो एक्सटिंक्ट हो रही है. उसके बाद मार्कोपोलो शीप है. मार्कोपोलो शीप जो है वो भी क्या है कि उसका भी यही मसला है कि पहले उसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ अवेलेबल थी, लेकिन अब उसकी स्पीशीज़ अवेलेबल नहीं है और वो एक्सटिंक्ट हो रही है. और उसके बाद है हुबारा बस्टर्ड का भी यही है कि पहले उसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉविड टेरिटरी थी, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता ख़त्म हो रही है और वो एक्सटिंक्ट हो रही है. और जब ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है. थैंक यू.